गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल स्टार्ट माई नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. द टॉपिक इज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. सो इन अकाउंटिंग देयर आर टू सिस्टम. फर्स्ट इज डबल एंट्री सिस्टम एंड अदर इज सिंगल एंट्री सिस्टम. सो वी डिवाइडेड अकाउंटिंग इन टू टू सिस्टम. फर्स्ट इज डबल एंट्री सिस्टम, अदर इज सिंगल एंट्री सिस्टम. जो भी अकाउंटिंग के सिस्टम है, दो टाइप के सिस्टम से हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं. तो फर्स्ट इज डबल एंट्री सिस्टम, अदर इज सिंगल एंट्री सिस्टम. तो फर्स्ट सिस्टम इज डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम, जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें जो भी एंट्रीज की जाती हैं, जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, वो डबल एंट्री के बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है. सो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग आर रिकॉर्डेड. डबल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच वी रिकॉर्ड टू एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग. वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट. डबल एंट्री सिस्टम, सिस्टम से मीनिंग हमारा ये हो सकता है कि जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हम बना रहे हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से बना रहे हैं, और उस सिस्टमैटिक तरीके को या उस सिस्टम को क्या बोला जाता है, डबल एंट्री सिस्टम. इस सिस्टम में हम जितनी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं वो टू एस्पेक्ट्स पे बेस्ड होती है. तो फर्स्ट एस्पेक्ट इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट. ये दीज टू एस्पेक्ट्स बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम. अ ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स. एक ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन मीन्स कोई भी लेन देन. ये जो भी लेन देन हमने, जो भी ट्रांजेक्शन करी है, उसे के टू एस्पेक्ट्स होते हैं. एक तो होता है आपका डेबिट और दूसरा क्या होता है, क्रेडिट. एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन इट इज़ रिकॉर्डेड वंस ऑन द डेबिट साइड अगेन ऑन द क्रेडिट साइड. एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन, जब भी अकाउंटिंग में किसी भी लेन देन को, किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, तो हम उस रिकॉर्ड को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था ना डेफिनेशन में, अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. तो जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसे जर्नल में ही किया जाए. लेकिन जर्नल में हम किस तरीके से उसे राइट डाउन करेंगे, मीन्स ये सिस्टम हमें उस मेथड को बताता है, उस सिस्टम को बताता है जिस सिस्टम के थ्रू हमें उसे अपनी बुक्स में लिखना है. सो एज ए टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड वंस ऑन द डेबिट साइड एंड अगेन ऑन द, जैसे आपको मैंने बताया कि टू एस्पेक्ट्स होते हैं हर एक ट्रांजेक्शन, हर एक लेन देन के टू एस्पेक्ट्स होते हैं. वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट. तो जब हम इसे जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो एक ट्रांजेक्शन को डेबिट साइड लिखा जाता है, उसी तरह उसी ट्रांजेक्शन के दूसरे एस्पेक्ट को कौन सी साइड लिखा जाता है, क्रेडिट साइड. फॉर एग्ज़ाम्पल, बिजनेस में बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो हम करते रहते हैं. उन्हीं ट्रांजेक्शन में से एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे है, जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम राम. गुड्स मीन्स सामान को ही बोल देते हैं हम, ठीक है. तो गुड्स परचेज फ्रॉम राम, स्टॉक के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं गुड्स. गुड्स परचेज फ्रॉम राम, राम से हमने गुड्स परचेज करी हैं. कितने की करी हैं, 10,000 की, ठीक है. अब जब भी राम से गुड परचेज की जाएंगी, फर्म ने राम से गुड परचेज करी है, तो फर्म के पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रही हैं. और किसके पास से आ रही हैं, राम. क्योंकि फर्म के पास गुड्स आ रही हैं, तो हम गुड्स को जस्ट मीन्स परचेज में गुड्स आ रही हैं, तो हम एंट्री करते हैं परचेज. जो सामान हमारे पास आ रहा होता है, हम उस एक्सपेक्ट को क्या करते हैं, डेबिट. और जो चीज़ हमारे पास जा रही होती है, यहाँ सामान तो नहीं जा रहा है, लेकिन हम जिस पर्सन से वो सामान ले रहे हैं वो क्रेडिट हो रहा है. यहाँ पे ये जो डेबिट और क्रेडिट टर्म्स की बात हो रही है, वो चीज़ें आपको अकाउंटिंग रूल्स के अंदर पता लगेगी. यहाँ पे मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि अगर कोई ट्रांजेक्शन, कोई लेन देन किया जा रहा है, तो जब हम उसे जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे तो इस टाइप से रिकॉर्ड करेंगे. तो एक टर्म को तो डेबिट साइड लिखा जाएगा, जिसे लिखा जाता है जैसे परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये डेबिट साइड. दूसरी ही टर्म को अगर हमने उसमें के आगे टू वर्ड लगा दिया, तो हम मान के चलते हैं कि वो टर्म क्या है, क्रेडिट. तो दो एक्सपेक्ट्स हैं, जो भी डेबिट साइड है फर्स्ट एक्सपेक्ट हो गया, और क्रेडिट साइड अदर एक्सपेक्ट हो गया, ठीक है. तो जब भी डबल एंट्री सिस्टम से आप अकाउंटिंग करोगे तो टू एक्सपेक्ट्स के बेसिस पे करोगे. फर्स्ट एक्सपेक्ट इज क्रेडिट, डेबिट सॉरी फर्स्ट एक्सपेक्टेड डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट.
क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम में जब भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है वो कौन कौन से स्टेजेस को फॉलो करती है। तो फर्स्ट स्टेज इज रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जैसे इसकी प्रोसेस से ही पता था अकाउंटिंग की, तो जब भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, कहाँ करते हैं? जर्नल में, डेबिट और क्रेडिट टर्म को यूज़ करके। देन उसे क्लासीफाई करते हैं, कहाँ करते हैं? लेजर में। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद उनके उनके नेचर के अकॉर्डिंग उन्हें क्लासीफाई कर दिया जाता है, और जिसे बोला जाता है उस अकाउंट को लेजर। लेजर में पोस्टिंग करने के बाद हम उन लेजर्स के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस के बेसिस पे क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इस वजह से बनाया जाता है ताकि हम उनके बैलेंसेस को इक्वल कर सकें कि कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। तो इस वजह से हम ट्रायल बैलेंस किसके बेसिस पे बना रहे हो? ये ट्रायल बैलेंस भी डबल एंट्री सिस्टम का ही बेस है। अगर ये डेबिट और क्रेडिट एक्सपेक्ट ना हो तो हमारा ट्रायल बैलेंस कभी भी टैली नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सब आगे की टर्म है। ये सिर्फ जस्ट आई एक्सप्लेन डबल एंट्री सिस्टम प्रोसीजर या स्टेजेस, किस किस स्टेप से आप इस सिस्टम को फॉलो करते हो। अकाउंटिंग में जैसे आप लेजर जर्नल बनाते हो, देन जर्नल से ट्रांजेक्शन को लेजर में लिख लिया, लेजर में लिखने के बाद ट्रायल बैलेंस में इसको पोस्ट किया गया, और ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे ही बुक्स को क्लोज करने के लिए फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने फाइनल अकाउंट्स लिखना है मुझे। ठीक है, यहाँ पे हम क्लोजिंग द बुक्स एंड प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में मैंने आपको बताया था कौन कौन से अकाउंट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो तीन अकाउंट आपके पास होते हैं जिससे किसी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है। ये सबसे लास्ट स्टेज है डबल एंट्री सिस्टम में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम को कोई अलग टर्म लेके आप लोग नहीं किया जाएगा, कि जो अकाउंटिंग में हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जो अकाउंट्स बनाते हैं उनमें जो लिखने का मेथड होता है उसमें हम उस मेथड में डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है वो इस सिस्टम के बेसिस पे ही होती है। डबल मीन्स हर एक टर्म को डेबिट किया और दूसरे टर्म को क्रेडिट किया। नो फर्स्ट एडवांटेज इज साइंटिफिक सिस्टम। एक्सप्लेनेशन की वैसे ज़रूरत नहीं है, बट साइंटिफिक सिस्टम क्योंकि अकाउंटिंग में सिस्टमैटिक तरीके से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके एनालाइज किया जाता है, तो और वो अकाउंटिंग में जो भी प्रोसेस चलती है वो किस सिस्टम को फॉलो करती है? डबल एंट्री सिस्टम में। तो डबल एंट्री सिस्टम से जो भी मेथड फॉलो किए जाते हैं वो एक सिस्टमैटिक या साइंटिफिक सिस्टम को शो करते हैं, क्योंकि एंड में रिजल्ट मिलता है हमें फाइनल अकाउंट के थ्रू। ठीक है, जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। देन सेकेंड इज कम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स। जब भी अकाउंटिंग में आप ट्रांजेक्शन मीन्स लेन देन को रिकॉर्ड करते हो किसके बेसिस पे? डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे। तो आप पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड चेक कर सकते हो कि क्या लेन देन हुआ है, कितना हुआ, किस पर्सन से हुआ, किस डेट पे हुआ, किस अमाउंट में हुआ, किस क्वांटिटी में, उस सभी का रिकॉर्ड हमें किस में मिलता है? अकाउंटिंग में। और अकाउंटिंग क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करती है तो ये इसकी एक एडवांटेज बन जाती है। क्लियर? नेक्स्ट इज अ चेक ऑन द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट। चेक ऑन द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट। एक्यूरेसी यहाँ पे अकाउंट्स की चेक होती है किस चीज़ से? ट्रायल बैलेंस से। जितने भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं कि डेबिट में कोई आइटम करेक्ट है या क्रेडिट में कोई आइटम है, कोई टर्म ज़्यादा तो नहीं आ रही है, डेबिट साइड कम तो नहीं आ रही, तो उस चीज़ को एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस में जो भी अकाउंटिंग की जाती है वो डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे की जाती है, क्योंकि इसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, और अगर एक साइड इक्वल नहीं आई या अनइक्वल आई तो हम उसको चेक कर सकते हैं, उस एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं कि सही चल रहा है या गलत चल रहा है। तो वो किसके थ्रू होता है? डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे। तो ये इसकी एक एडवांटेज बन जाती है, इसकी एक बेनिफिट बन जाती है। देन नेक्स्ट इज डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। क्योंकि अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे ही सारे अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, पोस्टिंग की जा रिकॉर्डिंग की जाती है, पोस्टिंग की जाती है, देन उस फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। तो फाइनल अकाउंट में क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसका सेकेंड स्टेप होता है, तो प्रॉफिट और लॉस कितने रेवेन्यूज़ हो रहे हैं, कितनी इनकम्स हो रही हैं, उन दोनों के डिफरेंस से हम क्या अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? प्रॉफिट और लॉस। मीन्स हम पूरे साल के नेट प्रॉफिट को एनालाइज कर सकते हैं, नेट लॉस को एनालाइज कर सकते हैं थ्रू
double entry system. Then next is नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन. फाइनेंशियल पोजिशन मैंने पिछले टॉपिक में भी बताया था कि जो फाइनेंशियल पोजिशन पता चलती है वो किससे पता चलती है हमें, किसी भी फॉर्म की बैलेंस शीट के, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में सभी अकाउंटिंग रिकॉर्ड सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड एनालाइज किए जाते हैं, पोस्ट किए जाते हैं, क्लासीफाई किए जाते हैं और लास्ट में उसको के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन किए जाते हैं. तो उनके बेसिस पे ही लास्ट में जो बैलेंस शीट बनाई जाती है जिससे हम उस फॉर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक कर सकते हैं. तो इसके बेसिस पर, और ये बैलेंस शीट किसके बेसिस, किस सिस्टम के बेसिस पे बनाई जाती है, डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन जर्नल से लेकर बैलेंस शीट तक डेबिट और क्रेडिट एक्सपेक्ट को ही फॉलो कर रही है. तो फाइनेंशियल पोजीशन की भी जो भी नॉलेज हो रही है वो हमें डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे ही हो रही है. देन कंपैरेटिव स्टडी इन इज पॉसिबल. अब कंपैरेटिव स्टडी, क्योंकि हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं आपके वो वन ईयर के बेसिस पे बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर जो भी चल रहा है उसके बेसिस पे हम बना जाओ, और उसकी जो टाइम लिमिट होती है वो वन ईयर होती है. तो डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे हम एक साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि किस तरह हमारी फर्म ने ग्रो किया है, या कुछ कमी आई है, या कुछ बेनिफिट्स हुए हैं, या क्या चेंज हुआ है. वो सारी चीज़ें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके चेक कर सकते हैं. और वो चेक किस बेसिस पे होते हैं, क्योंकि हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होते हैं, तो कंपैरेटिव स्टडी में भी हेल्प करता है कौन, डबल एंट्री सिस्टम. ठीक है. द नेक्स्ट इज हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग. क्योंकि अकाउंटिंग के थ्रू ही मैनेजमेंट को बहुत सारी यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिलती है, और उस यूज़फुल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही बहुत सारे डिसीजन में लिए जाते हैं. किसके थ्रू, मैनेजमेंट के थ्रू. तो अकाउंटिंग में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होती है, और अगर डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड इंफॉर्मेशन के थ्रू अकाउंटिंग प्रिपेयर की जा रही है तो उससे मैनेजमेंट को भी डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है. तो ये हेल्प करता है मैनेजमेंट, ये किस में, डिसीजन मेकिंग में. देन फ्रॉड्स एंड मिस अप्रोप्रिएशंस. फ्रॉड्स, कुछ धोखाधड़ी हो रही है, फ्रॉड्स हो रहे हैं, या कुछ गलत काम चल रहा है, तो उन चीज़ों से बचने में भी डबल एंट्री सिस्टम बहुत हेल्प करता है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे हम दोनों ही एक्सपेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड भी उसको रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड. तो हमारे मिस्टेक होने के कोई चांसेस नहीं होते. ऐसा नहीं होता है कि हमने सिर्फ डेबिट एक्सपेक्ट को ही रिकॉर्ड किया, क्रेडिट को रिकॉर्ड नहीं किया. तो मिस अप्रोप्रिएशन का या फ्रॉड का कोई चांस नहीं होता है. किसके थ्रू, डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू. क्लियर. और द नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज आई एक्सप्लेन डबल एंट्री सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम. द सेकेंड सिस्टम इज सिंगल एंट्री सिस्टम. अब इसके नाम से ही पता लग रहा है, सिंगल एंट्री मीन्स यहाँ पे जो भी एंट्री हो रही है वो सिंगल रिकॉर्ड हो रही है. मीन्स सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट मे बी डिफाइंड एज इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम. आप बोल सकते हो सिंगल एंट्री सिस्टम में जब भी हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो वो पूरी तरह से डेबिट और क्रेडिट एक्सपेक्ट को फॉलो नहीं करती हैं, या फिर हम वो सिर्फ एक ही एक्सपेक्ट को कैरी करके अपनी अकाउंटिंग को, जैसे आप बोल सकते हो बुक कीपिंग में हम जितनी भी रिकॉर्डिंग करते हैं उसमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट और कैश बुक को ही रिकॉर्ड किया जाता है. इसी तरह जो बुक कीपिंग है वो आपकी सिंगल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है. सॉरी. ठीक है. सम ट्रांजेक्शंस, अब डबल एंट्री सिस्टम में ये सिस्टम होता है कि कुछ ट्रांजेक्शन के तो दोनों ही एक्सपेक्ट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, कुछ ट्रांजेक्शंस के सिर्फ एक सिंगल एक्सपेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं. मींस ये सिर्फ कैश बुक और पर्सनल अकाउंट को ही रिकॉर्ड करती है. ये सिर्फ पर्सनल अकाउंट को और कैश बुक को ही मेंटेन करती है. मींस डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू हमें डेबिट और क्रेडिट एक्सपेक्ट के सभी टर्म्स को रिकॉर्ड नहीं करती है, सिर्फ इसमें जो मेन अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो पर्सनल अकाउंट और कैश बुक से. मींस
जैसे बुक कीपिंग में भी हम किसी पर्सन से अगर ट्रांजेक्शन कर रहे तो उसके नाम को, जिसे पर्सनल अकाउंट बोला जाता है, के थ्रू उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और कैश बुक में जब भी उसकी कैश पेमेंट रिसीव या पे होगी तो उसको उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो कोई भी हम किसी एक्सपेक्ट के, तो दोनों ही एक्सपेक्ट्स को, मैं किसी भी ट्रांजेक्शन के किसी की दोनों ही एक्सपेक्ट को रिकॉर्ड कर लेते हैं, और किसी ट्रांजेक्शन के सिर्फ एक एक्सपेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। देन लास्ट इज अकाउंट मेंटेन इन द सिस्टम कॉल्ड, इस द सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू जो भी अकाउंट बनाए जाते हैं उसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है। इनकम्प्लीट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इससे कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या रिकॉर्ड नहीं मिलती है, इसलिए सिंगल एंट्री सिस्टम को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है। क्लियर ऑल ऑफ यू? आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।